NH-46 पर बिलोनिया गांव के पास एक गर्भवती महिला के एक्सीडेंट में मौत हो गई। गुना में अतिवर्षा होने के कारण सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसे अब तक सुधारा नहीं गया। जर्जर हो रहे नेशनल हाईवे के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। शिवपुरी जिले से अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने गुना जा रही महिला को भी हादसे का शिकार होना पड़ा। अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर गुना जा रही महिला को NH-46 पर बने गड्ढे का शिकार होना पड़ा। गड्ढे में मोटरसाइकिल फंसने के कारण महिला सड़क पर गिर पड़ी। ये गड्ढा हुआ है, साफ दुर्घटना होती है। दो औरतें गिर गई हैं, एक परसों के, एक रोज और गिर गई एक रोज पहले। तो क्या हुआ, मतलब धसक गई, क्या हुआ? हाँ, धसक गई है, कोई भीड़ भीड़ था का अंदर गड्ढा है, दिखता नहीं है यहाँ पर। जिस जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गुना जिले में अतिवृष्टि के कारण बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। सड़कें बदहाल और जर्जर हो गई हैं, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। NHAI की टोल टैक्स की वसूली बकायदा जारी है। NHAI पर हादसों में बढ़ोतरी के कारण हाईवे की बदहाली पर इतने ज्यादा गड्ढे हो चुके हैं कि वाहन का चलना मुश्किल हो गया है। NHAI प्रबंधन ने अब तक गड्ढों को दुरुस्त करने की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। धसक गई है या कई मोटरसाइकिलें गिर गई हैं, गड्ढा हो चुका है यहाँ पे, और आए दिन दुर्घटना की संभावना बनी रहती है यहाँ पे। बस यही चाहते हैं कि रोड सही हो जाए। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।